नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि जो है इस वक्त मौजूद है। अंजलि, हम देख रहे हैं जिस तरीके से जब भी हम लाइव आते हैं तो एक नए खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ आते हैं, लेकिन आज जिस बारे में हम लाइव आए हैं वो बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सरकारें यूं ही गिरती हैं और ऐसे ही गिरती हैं। चलिए हम आपको बता दें कि दिल्ली के अबकारी घोटाले मामले में ईडी ने बुधवार शाम को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कहें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जी अंजलि, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस पर हम बार बार लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इतने बड़े चेहरे जो भी हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो या फिर मनीष सिसोदिया की बात हो, और उसके बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाना, क्या 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 कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, आबकारी मामले में पहले भी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं। उनकी जो है आने वाले दिनों में उनकी जमानत याचिका पे पेशी होनी थी और उनको कोर्ट में पेश होना था, और क्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले ही कल ईडी ने 10 घंटे पहले पूछताछ की संजय सिंह के घर पे, उसके बाद उन्हें जो है जेल में ले गई। जी, और वहीं रणबीर कपूर जो है, रणबीर कपूर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। दरअसल महादेव गेमिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें ये समन भेजा। बिल्कुल, अंजलि ने जिस तरीके से आपको बताया अभी, ये जो लास्ट वाला लाइन पे आपने गौर फरमाया हो कि रणबीर कपूर के पास भी समन भेजा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि नेता से लेकर अभिनेता हर किसी पर शिकंजा साफ तौर पर ईडी का कसा जा चुका है। ईडी तमाम तरीके के जिस तरीके की जांच इस वक्त बैठाई हुई है, और हम बात अगर करी जाए अभी फिलहाल पहले नेता की बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, आप देख रही है आम आदमी पार्टी लगातार तमाम उन जगहों पर सक्रिय नजर आ रही है जहां पर चुनाव है, ऐसे में एकदम अचानक से ईडी का छापा पड़ जाना, ये बात अंजलि थोड़ी हजम नहीं होती है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है, जैसे विपक्ष हमेशा से ही केंद्र सरकार को घेरता रहा है कि केंद्र सरकार ईडी को जो है टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है, कि जिनसे भी विपक्ष को हमेशा ईडी भेज देती है, विपक्ष के घरों पर ईडी भेज देती है। तो कहीं ना कहीं अंजलि ये बात आप भी इस बात पर गौर फरमाएंगी कि अगर विपक्ष ने हमेशा सरकार पर सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं कि सरकार ऐसे मतलब ईडी हो गई या ऐसे साधन हो गए, इनका गलत इस्तेमाल कर रही है, और ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सामने विपक्ष को साफ तौर पर खत्म करने के लिए या सरकारें गिराने के लिए, पार्टियां खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? दरअसल ऐसा नहीं है कि सरकारें खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ तो सबूत होता होगा उनके पास जो उनके घर पे छापे के लिए जाती है ईडी। और सत्येंद्र जैन की भी जो है आबकारी नीति घोटाले में उनका नाम आया था, ऐसे ही मनीष सिसोदिया का भी नाम आया था, और उसके बाद से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। बिल्कुल, अगर देखा जाए किस तरीके से अभी हम बार बार इन तमाम जानकारियों पर गौर फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मनीष सिसोदिया के बारे में अगर हम जानकारी जब जुटा रहे थे तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से संजय सिंह के साथ हुआ, वैसे ही मनीष सिसोदिया के ऊपर भी तमाम इसी तरीके के आरोप लगते गए और अचानक से गिरफ्तारी हो गई। राघव चड्ढा का भी इसमें नाम आया, राघव चड्ढा का नाम भी आ चुका है, हाल में अभी उनकी शादी हुई है, लेकिन देखना अभी ये है कि वो कितनी दूर तक बचते हैं। हमने जैसा बताया नेक्स्ट कौन, तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि नेक्स्ट कौन, अभी ईडी का शिकंजा अगले किस पर कसा जाना है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कल संजय सिंह के यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंचती है वहां पर जाकर 7 बजे से तमाम तरीके की जांच बिछा दी जाती है अंजलि, और उसके बाद 5:30 बजे गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये जो पूरा साफ तौर पर मामला सामने आया कि अबकारी नीति को लेकर, घोटाले को लेकर ये ईडी की जांच, गिरफ्तारी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या आप खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अकेले और अकेले सिर्फ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। जी स्वाति, बिल्कुल। और राघव चड्ढा की बात की जाए तो राघव चड्ढा भी अक्सर बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है राघव चड्ढा का नाम भी इसमें कहीं ना कहीं बार बार ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उनके ऊपर भी कहीं इस तरीके की चिंता सामने ना आ जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहना है?
दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जिसके सर पे माँ का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हर क्रांतिकारी को जेल जाना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी मतलब इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो जो है निर्दोष है और केंद्र सरकार जो है झूठा शिकंजा लगा के उनके सांसदों को फंसा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को जो है एक क्रांतिकारी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर इस पर, चाहे फिर मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई हो तब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया हो कि हम ईमानदार हैं और ईमानदारों के साथ ऐसा ही होता है। आज भी जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का यही बयान सामने आया कि ईमानदार को ईमानदारी की यही सजा मिलती है। तो ऐसे में ये बार बार बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है बिना भ्रष्टाचार के काम कर रही है और बीजेपी पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये भी बयान जो है वो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अन्याय के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और वो ना डरे हैं ना डरेंगे। ये मतलब अब संजय सिंह को जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है जेल जाने का, हर क्रांतिकारी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, तो मतलब इसको पूरा का जनता के दिमाग पर आम आदमी पार्टी की छवि उस तरीके से ना बन जाए, गलत प्रेजेंट ना हो जाए, इसलिए साफ तौर पर बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ईडी की चार्जशीट में अंजलि जिस तरीके से संजय सिंह के ऊपर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, जांच बिठाई गई है, उसमें लगभग 32 लाख का चंदा लेने का जिक्र है। जी हाँ, और इसके साथ साथ ईडी ने बुधवार को जब उनके घर पर छापा मारा था तो जिस तरीके की जांचें बिठाई गई उसके बाद जो भी दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं उनके बिहाफ पर ईडी ने गिरफ्तारी की है। ऐसे में संजय सिंह की मुसीबतें कितनी दूर तक जाती हैं और कितने नाम सामने आते हैं ये भी देखना अंजलि मेरे ख्याल से अभी रह गया है। लेकिन अभी हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पहले जिस तरीके से सत्येंद्र जैन, उसके बाद हमारे मनीष सिसोदिया और अब जो है साफ तौर पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल बड़े बड़े चेहरे हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि छोटे मोटे कोई नेता को गिरफ्तार कर लिया गया हो, बड़े बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका इस तरीके से जेल में चले जाना ये पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, नुकसान तो होने ही वाला है पार्टी को, पर वही है कि पार्टी उसे जो है विपक्ष को घेरने के लिए जो है उसे मुद्दा बनाएगी और अभी तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई नहीं हुई है और उसके बाद उससे पहले ही आम आदमी पार्टी का तीसरा सांसद जो है जेल में पहुंच गया है। तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, अभी हमने मध्य प्रदेश में अंजलि देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जिसके बाद लोग जो साफ तौर पर जनता जो है उन कैंडिडेट्स को देखकर जनता का जो आंखें थी वो चकाचौंध एकदम से नजर आई, क्योंकि उसमें एक टीवी सीरियल की एक्ट्रेस भी है जो चुनावी मैदान में उतारी गई है। तो आम आदमी पार्टी ने बड़े सोच समझ के अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, तमाम दावे वादे भी आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए। ऐसे में तुरंत ही देखा जाता है कि संजय सिंह की ऊपर ईडी की जांच बैठ जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है। मैं आपको बता दूं ऐसा ही अभी पहले भी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी चुनाव भी मैदान में देखा गया था कि पंजाब के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। पंजाब में जब चुनाव थे उस वक्त भी देखा गया था आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर चुनावी प्रचार और प्रसार कर रही थी और उसके बाद तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाती है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और तमाम तरीके के इल्जाम लग जाना, एंड देन उसके बाद अभी जब मध्य प्रदेश और चुनाव है और आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, ऐसे में गिरफ्तारी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आप वो जानकारी जनता को दीजिए अंजलि, जो कुछ अभी हमने नेता की बात कर ली, अभिनेताओं के ऊपर जिस तरीके की बात आ जाती है, ईडी की छापेमारी होना, अभी रणबीर कपूर में क्या कुछ अपडेट है, रणबीर कपूर के ऊपर ईडी का ने समन भेज दिया है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी स्वाति, बिल्कुल, रणबीर कपूर को जो है महादेव गेमिंग ऐप के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को बुलाया है और रणबीर कपूर को महादेव ऐप का जो है वो इंडोर्स कर रहे थे। ईडी का दावा है कि उन्होंने इसके एवज में कैश की बड़ी जो है रकम मिली थी जो है, और वो रकम जो थी वो क्राइम की कमाई में यूज हुई थी, क्राइम की कमाई में। जी जी, जिसके लिए अब ईडी ने उन्हें समन भेजा है और 6 अक्टूबर को पेशी के लिए बुलाया है। बिल्कुल,
तो इस तरीके से नेता से लेकर अभिनेता तक ईडी जो है अपना साफ तौर पर शिकंजा कसे हुए है। अब बार बार अभिनेता की बात जब आती है तो ठीक है, अभिनेता के मामले में मुझे लगता है अंजलि की चीजें हो जाती हैं, मतलब एकदम हाईलाइटेड चेहरा होते हैं, उनका काम ऐसा होता है, या 10 तरीके की चीजें जांच बैठती है तो निकल कर सामने आती है। लेकिन राजनेता की जब बात आती है तो राजनेता की तो एक अकेला राजनेता के ऊपर ईडी की जांच बैठने का मतलब है कि पूरी पार्टी की छवि खराब हो जाना, पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाना, और चुनाव से पहले वो तमाम नीतियों पर पानी फिर जाना जो पार्टी ने जनता के सामने रखी होती है। आम आदमी पार्टी ने तमाम तरीके की घोषणाएं, दावे, वादे, और जिस तरीके से ईमानदारी का एक सबूत मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा, वो तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तहस नहस हो ही रहा है, और लेकिन उनका ये कहना है कि उनके सांसद जो हैं बिल्कुल मतलब निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन इतने टाइम से अगर मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, सतेंद्र जैन निर्दोष हैं, तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहे, उनके खिलाफ वो किस बेस पे अंदर है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये, एक सवाल ये भी खड़ा होता है अंजलि, अगर इस बात पे भी गौर फरमाएं, हम बिल्कुल बैलेंस बात करेंगे कि अगर विपक्ष में तमाम भ्रष्टाचारी हैं तो क्या केंद्र सरकार में बैठे तमाम नेता जो है ईमानदार हैं? ये सवाल विपक्ष बार बार खड़ा करता है, कहता है कि सरकार आपकी रूल, आपके तमाम संस्थान आपके, तो आप ईडी की जांच विपक्ष पर बैठा देते हैं, उनके नेता पर बैठा देते हैं, उनके विधायकों पर बैठा देते हैं, सांसदों पर बैठा देते हैं, लेकिन सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कहाँ जाएंगे? ये तमाम तरीके के जो कह दो कि जुबानी जंग छिड़ जाती है, उसमें ये बात भी सामने आती है कि आखिरकार अपने नेताओं को बचाकर दूसरे पार्टियों के नेताओं को इस तरीके से मतलब, हाँ आपने एक बात बिल्कुल ठीक बोली है अंजलि, मैं ये बोलूंगी कि अगर आप बेकसूर हैं तो आप सामने आएंगे, लेकिन आपके अंदर जरा सा भी खोट है तो आप पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल ये जिस तरीके की जाल अगर कहा जाए कि सरकार की तरफ से बिछाया गया है, ईडी तो सिर्फ चलता फिरता मोहरा है, ये इस तरीके के बयान भी आपको बता दें विपक्ष की ओर से सामने आते हैं। आपको बता दें कि हमेशा राहुल गांधी इस बात को रखते हुए सामने आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और ना जाने कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। इसमें इस पर आपकी क्या राय राय अपनी जरूर बताइएगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, हम इसके पीछे बार बार जाने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है? आपको बता दें अंजलि कि अभी हमने अरविंद केजरीवाल की जब संजय की जो है, जब उनका संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हमने देखा कि उनके बयान एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं। पहला तो यही आता है कि हमारे जो नेता है भाई बहुत ईमानदार, वरिष्ठ नेता, ईमानदार नेता, क्रांतिकारी नेता, उन्हें फंसाया जा रहा है। दूसरी एक बात सामने आती है कि गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी INDIA को लेकर सबसे बड़ी बात बोलते हुए नजर आते हैं कि INDIA इसीलिए ही बनाया गया है कि अपनी ताकत को सरकार के सामने दिखाया जा सके। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता तो जेल जा रहे हैं, और क्या कुछ तमाम चीजें अभी पार्टी के अंदर बचती हैं। सबसे बड़ी चीज है अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कैसे फिर से खड़ा करते हैं, क्योंकि पार्टी के पत्ते बिखर चुके हैं। देखा जा रहा है एक के बाद एक बड़े चेहरे जो पार्टी का चेहरा, एक ब्रांडिंग होते हैं, वो बिखर चुके हैं। ऐसे में पार्टी खड़ी कैसे होती है, चुनावी मैदान में कैसे उतरती है, और जनता को कैसे बताती है वो ईमानदार है? इससे जुड़ी हर एक अपडेट, आखिरकार ईडी आगे कहां तक पहुंची, किसके गिरेबान तक ईडी के हाथ पहुंचे हैं, नेता और अभिनेता कहां तक फंसे हैं, कौन कौन फंसे हैं, किन पर शिकंजा होना अभी बाकी है, हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़।